ये नाखून शायद उसका होगा जिसने मन्नत पे जानलेवा हमला किया था। टूटकर गिरना कितना बुरा शगुन माना जाता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इबादत। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अंदाजा हो जाए। निकार, मास्क ढंग से रखो, इतनी देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम ढंग से गला दबाओ ना, इंसान मारने आई हो, मच्छर नहीं। बराबर निशाने पर लगा है। सर, कौन मेरी बच्चियों के पीछे पड़ गए और हमारे घर में कैसे घुसा अम्मी? अगर मेरी मन्नु को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तुम्हें अकेले नहीं सोने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। पर अम्मी, तुम्हें कुछ याद है वो कैसा दिखता था? कुछ भी। अम्मी शांत हो जाइए, लेकिन प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी नींद हराम हो, और मैं जानती हूँ आपको अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। प्लीज अम्मी, मैं ठीक हूँ। मन्नू, मन्नू तुम इसलिए ठीक हो कि सब वक्त पे यहाँ पहुंच गए। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो हम रिस्क नहीं ले सकते। मन्नत, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी इस कमरे में। नहीं अब्बू, अगर तुम मेरे साथ सोओगी तो सुभान का ख्याल कौन रखेगा? और प्लीज देखो, मेरी टेंशन मत लो, मैं खिड़की दरवाजे बंद कर सोऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो अम्मी और तुम्हें आवाज लगा दूंगी। हाँ प्लीज। बुरा वक्त बोल कर नहीं आता मेरी बच्ची, अपना ध्यान रखना। आप लोग भी जाकर आराम करिए, रात बहुत हो गई है। सुभान, चलो। ठीक क्या? सुभान, मन्नु की हालत देखकर मेरा तो दिल दहल गया। इतनी डरी हुई थी वो, बड़ी मुश्किल से उस फरहान से पीछा छूटा है। पता नहीं कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, गार्ड्स है, सिक्योरिटी है, फिर वो अंदर कैसे पहुंचा और मन्नत के रूम तक कैसे पहुंच गया? तुम्हें क्या लगता है सुभान? सुभान, जवाब तक नहीं दिया। सुभान को हो क्या गया? ऐसा पड़ता हूँ क्यों कर रहा है सुभान?